आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे आईपीसी 376 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 17 नवंबर 2022 को डिसाइड किया गया है और ये जजमेंट बेल के मामले में है, जमानत के संदर्भ में है। आप लोग अक्सर मुझसे कई बार पीड़िता होती है शिकायत करते हैं कि हमने ऐसे जजमेंट बहुत कम शेयर करते हैं जो पीड़िता के पक्ष में हो। तो ये जो जजमेंट है ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये जजमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक आरोपी की जमानत जिसे कि हाई कोर्ट ने प्रदान कर दिया था उसे कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथियों केस की स्टोरी क्या थी आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। ये जजमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण जजमेंट इसलिए है पीड़िता के लिए क्योंकि कई बार जब आप बेल का अपोज करने जाती हैं या फिर आप को आप जब ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है तो आपके पास जजमेंट नहीं होते हैं। तो ये जजमेंट कुछ ऐसा जजमेंट है जो कि सामान्यतः हर केस में लागू होता है क्योंकि इस केस में भी कुछ कहानी ऐसी थी जो आरोप लगाए गए थे कि लड़की ने एफआईआर डिले दर्ज करवाई है, ये वो कंसेंट पार्टी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फैक्ट को दरकिनार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात का ध्यान नहीं देखा कि ये ग्रेवियस नेचर का ऑफेंस है और दूसरी बात यह है कि जो उसने डिले एफआईआर दर्ज करवाई उसकी वजह यह थी कि वो पीड़िता एफआईआर दर्ज करवाने गई थी लेकिन उसके एफआईआर नहीं लिखी गई थी। तीसरी बात यह थी कि वो अनकॉन्शियस थी क्योंकि जो आरोपी था पहले इन दोनों ने ड्रिंक किया था, उसको ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया था ऐसा जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए थे, उसके बाद ये उसके साथ रेप किया गया था। तो ये सारे फैक्ट थे जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोपी की जो जमानत थी उसको कैंसिल कर दिया और आरोपी को आदेश दिया कि वो एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करे। तो साथ ही ये मामला क्या था थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। ये मामला है कर्नाटका का और केस का नाम है अम्मी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से है। क्रिमिनल अपील है जो डिसाइड की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही इस केस की शॉर्ट में स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो आरोपी था उसके ऊपर आरोप ये था कि वो पीड़िता को एक बार में लेकर के गया और वहाँ उन दोनों ने ड्रिंक किया और उसके बाद वो जब लेडी अनकॉन्शियस हो गई तो उसके बाद उसने उसके साथ बिना उसकी कंसेंट के उसके साथ रेप किया। इसके बाद लेडी अनकॉन्शियस थी जब तक कि उसे होश आया और जब तक कि वो उसका माइंड कॉन्शियस हुआ, उसके बाद पहले वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल के बाद फिर उसने थाने में कंप्लेन दिया लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। लगभग 5 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई और जो एफआईआर दर्ज की गई वो 376 आईपीसी, आईपीसी 354, 328 और 120B इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी के द्वारा बेल एप्लीकेशन फाइल की सेशन कोर्ट में जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद पीड़िता ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा है कि जिसमें आप बेल एप्लीकेशन का अपोज कर रहे हैं इस आधार पर कि जब आरोपी पक्ष ने यह ग्राउंड लिया है कि डिले एफआईआर है तो आपके लिए जजमेंट काम आएगा। दूसरा ये कि अगर उसमें यह कह दिया गया कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो इस केस में भी चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, इवन चार्जशीट फाइल होने के बाद भी उसकी जो बेल थी उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि अधिकतर इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अपने आप में एक ग्राउंड होता है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मामलों में कहा भी है कि चार्जशीट अपने आप में एक ग्राउंड होता है सरकमस्टेंस को चेंज करने के लिए, तो बेल का एक आधार हो सकता है। लेकिन इस मामले में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को, हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया। मुझे उम्मीद है आपके लिए जजमेंट यूजफुल होगा। धन्यवाद।